हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शर्मिष्ठा। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ स्मृतियाँ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी वेंट टू रोहतांग पास। इट वॉज क्वाइट कोल्ड देयर। वी हैड हायर जैकेट्स। वी हैड गॉन टू पहलगांव। आई सॉ द प्लेस वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स। वी हैड बोर्डेड द टॉय ट्रेन। We enjoyed the view a lot. We had gone to Manali. We visited the Hidimba temple. I had trekked for 18 kilometers. I was quite tired by then. The ice had melted. The mountain river flowed fast. We had visited Mussoorie for the first time. We walked through the magical mist. I had purchased an umbrella. I used it as a walking stick. We had travelled through mountain roads. The roads took sharp turns. We had climbed uphill, then we ran downhill. तो आपने देखा कि मैंने 10 pictures दिखाए और उनको दिखाते हुए 10 बातें बोली। First photo दिखा के मैंने जो बात बोली वो थी, वी वेंट टू रोहतांग पास, इट वॉज़ क्वाइट कोल्ड देयर, वी हैड हायर जैकेट्स। तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो वाक्य था वो दोनों सिंपल पास्ट टेंस में था। सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेस करता है कि हम कोई पुरानी बात बता रहे हैं। और जो तीसरा सेंटेंस था, वी हैड हायर जैकेट्स, उस पुरानी बात के घटने से पहले कोई बात कंप्लीट हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी, उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। वहाँ पे हैड का प्रयोग होता है, इसीलिए मैंने बोला है वी हैड हायर्ड जैकेट्स। मतलब रोहतांग पास हम लोग गए थे, वहाँ पे काफ़ी ठंड थी। ये सब सिंपल पास्ट है। वहाँ जाने से पहले जो काम हम कर चुके थे कि हमने जैकेट्स भाड़े में लिए थे, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के और भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, जैसे कि में मैंने बोला वी हैड गॉन टू पहलगांव, द प्लेस वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स। तो हम लोग पहले पहलगांव पहुंच चुके थे, उसके बाद हमने देखा कि वह जगह फूलों से भरी हुई है। फिर मैंने बोला वी हैड बोर्डेड द टॉय ट्रेन, वी एन्जॉयड द व्यू अ लॉट। तो उसका मतलब क्या, हम लोग टॉय ट्रेन में चढ़ चुके थे, वहाँ का दृश्य हमने एन्जॉय किया। तो एन्जॉय करना जो है सिंपल पास्ट है, चढ़ चुके थे वो है पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट से भी पहले कंप्लीट हो चुकी थी वो घटना। फिर मैंने बोला वी हैड गॉन टू मनाली, वी विजिटेड द हिडिम्बा टेम्पल। तो हम लोग मनाली जा चुके थे, उसके बाद सिंपल पास्ट में बोला कि हम लोग हिडिम्बा टेम्पल गए। तो हम लोग कोई काम कंप्लीट कर चुके थे, पास्ट से भी पहले की पास्ट जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। I had trekked for 18 kilometers. I was quite tired by then. तो मैं 18 किलोमीटर चल चुकी थी, तब तक मैं थक गई थी। तो थक गई थी जो मैंने बोला है, इसको मैंने सिंपल पास्ट में बोला है, चढ़ाई चढ़ चुकी थी, ट्रैकिंग कर चुकी थी, ये मैंने पास्ट परफेक्ट में बोला है। फिर मैंने फ़ोटो दिखा के कहा द आइस हैड मेल्टेड, द माउंटेन रिवर फ्लोड फास्ट। तो बर्फ़ पिघल चुका था, उसके बाद पहाड़ी नदी काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। तो ये जो मैं पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर रही हूँ, ये पास्ट परफेक्ट वाला घटना पहले घट चुका था, बाद में सिंपल पास्ट वाला घटना घटता है। वी हैड विजिटेड मसूरी फॉर द फर्स्ट टाइम। वी वॉक थ्रू द मैजिकल मिस्ट। हम लोग मसूरी पहली बार गए थे, जा चुके थे, वहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे जादुई कोहरे के अंदर। कोहरा जो था एक जादू क्रिएट कर रहा था और हम लोग जैसे कि उसमें घूम रहे थे। मैजिकल मिस्ट ये एक कल्पना है, ऐसे जादू कुछ होता नहीं है कोहरे में, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि प्रकृति कुछ जादू दिखा रही है, तो इसलिए मैजिकल मिस्ट मैंने कहा है। तो ये वाला सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट में था। नेक्स्ट फोटो मैंने दिखा के बोला I had purchased an umbrella. I used it as a walking stick. मैंने एक छतरी खरीदा था, खरीद चुकी थी, बाद में मैं उसको यूज़ कर रही थी
एक चलने की छड़ी की तरह, तो छड़ी की तरह यूज़ कर रही थी। ये भी पास्ट है लेकिन ये सिंपल पास्ट है, और खरीद चुकी थी उससे पहले, वो हो गया पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला वी हैड ट्रेवल्ड थ्रू द माउंटेन रोड्स, द रोड्स टुक शार्प टर्न्स। हम लोग यात्रा कर चुके थे पहाड़ी रास्तों से, वो रास्ते बड़े ही तीखे तीखे मोड़ लेते थे, वो मोड़ जो थे बड़ा ही एब्रप्ट शार्प टर्न्स लेते थे, तीखे तीखे मोड़ लेते थे। लास्ट पिक्चर दिखा के मैंने बोला वी हैड क्लाइम्ड अप हिल, हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ चुके थे। देन वी रैन डाउन हिल, उसके बाद दौड़ दौड़ के हम उतराई में दौड़ के उतर गए। तो ये दौड़ के उतर गए ये सिंपल पास्ट था, चढ़ चुके थे वो पास्ट परफेक्ट था। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इन सभी स्मृतियों को शेयर करते समय सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों का ही प्रयोग किया है। तो कैसे सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट एक दूसरे से अलग है, कैसे इनका प्रयोग अलग से हो सकता है, क्यों हम हैड यूज़ करते हैं, क्यों हम हैड नहीं यूज़ करते हैं, इसका एक क्लियर कट व्यू मैंने दिया है इस वीडियो में। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम सिंपल पास्ट का यूज़ क्यों करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ क्यों करते हैं, दोनों के यूज़ में क्या डिफरेंस है। ये सब छोटी छोटी बातें जो होती है ग्रामर की, उनसे ही बनता है एक लैंग्वेज। जो लैंग्वेज हम नेचुरली सीखते हैं, अपने मातृभाषा को सीखते हैं, उसके लिए हमको ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। जो भाषा हम अलग से सीखते हैं उसको थोड़ा ग्रामर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा सुनिए, तो आप बिना बहुत ज़्यादा ग्रामर स्टडी करके भी उस भाषा से परिचित हो सकते हैं। तो मैं फिर एक वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। टिल देन बाय बाय।